हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हर्ष, हेलो बोल दो बेटा। हेलो। तो हर्ष है मेरा, दो चार दिन से इसकी भी तबीयत कम सही है, बुखार सा है इसको। लेकिन वो सोच रही हूँ, स्कूल जाता है रोज़, तो अभी दवा नहीं कराऊंगी। दो चार दिन बाद इसकी जांच करवाऊंगी, शायद बुखार रहता है इसको और सर दर्द करता रहता है। लेकिन बचपन से बहुत सारी दवाइयाँ इसने खाई है। किसी दिन मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करूंगी। जब छोटा सा था ना, तो बहुत परेशानी से इतना बड़ा हुआ है, इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ का नाम लेती हूँ ना, उस तकलीफ़ का, तो मैं तुरंत रोने लगती हूँ, मेरे फिर हिम्मत बिल्कुल नहीं रहती है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगी। तो इसको बहुत ही मेहनत से मैंने पाला, इतना बड़ा किया है। तो इसे कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले मैं हिल जाती हूँ, मैं तुरंत हिल जाती हूँ फ्रेंड्स। इसे इतना कांटा भी लगता है तो मुझे तकलीफ़ होने लगती है। सॉरी बच्चे, मेरे में आंसू नहीं देख सकते मेरे। मुझे कितनी भी तकलीफ़ रहेगी, मैं कभी जल्दी रोती नहीं हूँ। लेकिन इस समय ऐसे मतलब हालात हैं, ऐसे समस्याएं हैं, तो मैं आंसू रोक नहीं पाया करती हूँ। क्योंकि जब कोई दूसरा देता है ना, तो हम सह जाते हैं, लेकिन जब अपना कोई जख्म देता है तो हमें तकलीफ़ जाती है। पर्सनली उस चीज़ के लिए हमें बहुत तकलीफ़ जाती है, जिसके लिए मान लो कोई है, उसके लिए हमने जंग लड़ा। मान लो कोई एक पर्सनली इंसान है, ये तो बेटी की बात है जो मैंने अभी तक कही, लेकिन एक मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहती हूँ। होता है ना, अगर हम आपके लिए कुएं में कूद गए आज, और जब हमने आपको निकाल लिया कुएं से, आप स्वस्थ हो गए, तो आपने हमें खुद ही कुएं में ढकेल दिया। जब आपका समय इतना ख़राब था कि आप कुएं में थे, और मान लो मैंने निकाल लिया और आपको ठीक किया और आप कुएं से बाहर आ गए, आप स्वस्थ हो गए, तो आपने मुझे ही कुएं में झोंक दिया। तो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो एक मोमेंट्स होता है ना, जिनसे लगाव होता है, जो अपने रिश्ते होते हैं, वहाँ जब ऐसा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ, हाँ अंदर तक तकलीफ जाती है कि जिन रिश्तों के लिए हमने दुनिया से लड़ाइयाँ की, जिनके लिए हमने अपनों से लड़ाई की, जिनके लिए हमने खुद भिड़ा। क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना हो गया है फ्रेंड्स कि कोई किसी के लिए खड़ा भी नहीं होता, लड़ने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप ठीक हो गए, तो आपने हमें ही उसी कुएं में ढकेल दिया। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत चुभती हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी तकलीफ़ें जो होती हैं ना, तो अंदर घर कर जाती हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन मैं जिस इंसान के लिए हमने कुछ किया है, अगर मैं उसको देखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल तकलीफ़ इस बात की होती है, सिर्फ इस बात की कि कम से कम वो दिन तो याद रखना चाहिए आपको, वो समय तो याद रखना चाहिए, वो वक्त तो याद रखना चाहिए कि इस इंसान ने हमारे लिए क्या किया है और आज हम भूल गए। तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं मेरे, जो मेरे खुद पर्सनली हैं। ये कोई मैं इसमें बहाना कोई उदाहरण नहीं दे रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारे रिश्ते हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाती हूँ, आप समझ सकते हो। तो ऐसे रिश्तों को जब मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जाती है कि कुछ ना करते या करती, इतना तो याद रखना चाहिए कि वो एक समय था जब कोई मेरे साथ खड़ा था। आज मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं खड़ी नहीं हो सकती, कम से कम उन्हें कुएं में तो न ढकेलूं। तो ऐसे भी लोग, पता नहीं कैसे लोग ऐसे इतना कैसे बदल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती मैं नहीं बदलती, हर इंसान वक्त में थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन इतना मैं कभी भी भविष्य में नहीं बदल सकती दोस्तों।
मान लो आज मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मान लो मेरा चैनल बहुत आगे चला गया, तो मैं ये कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं भूलूँगी कसम से, कि आप सबने मेरा सपोर्ट किया था। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है कि जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग मतलब वॉइस आ रही है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कुछ लोग, तो वही वॉइस आ रही है बार बार कि मान लो आप भूल गए, नहीं आपको याद है, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम रिस्पेक्ट तो रखिए थोड़ा सा कि हाँ चलो इतना मुझे याद रखिए, वो बात तो याद रखिए कि हाँ कब कैसे क्या हुआ था। तो ये सब मेरे पर्सनली जो मुझे मतलब बातें चुभती हैं, वो बातें मैं आपसे शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग इन सब बातों से एग्री हो, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा, और जो लोग एग्री ना हो वो भी बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एक्सपीरियंस मेरा है सबका ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, तो हर चीज़ हर इंसान के साथ परफेक्ट नहीं बैठती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के बात से एग्री ना हों। मान लो आपके आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी भी एक तरफा कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए, मिस्टेक हर जगह होती है। तो चलिए, बातें मैंने बहुत कर ली, फिर कभी और कुछ शेयर करूँगी। अपने लिए बाय बाय।